हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो द डेविल पनिशर ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 4 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इसके पहले पार्ट्स को नहीं देखी हो तो पिछले सारी ही वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अब वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 4 स्टार्ट होती है और जोंगकुई शिनू और ओयंग काई को लेकर पास्ट में जाता है, जहां वो तीनों देखते हैं कि होंगू उसके बॉस से रिक्वेस्ट करता है उसको एक्स्ट्रा गाड़ी चलाने की देने के लिए, ताकि होंगू पिंक के स्कूल के खर्च को चला पाए। तो बॉस होंगू की बात सुन के उसे एक्स्ट्रा काम देते हैं और काम पे जाने के कुछ ही टाइम बाद बॉस को खबर मिलती है कि होंगू की मौत हो गई है। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाते हैं और देखते हैं कि उसने अभी तक इंश्योरेंस का फॉर्म नहीं भरा है। ये देख के होंगू का बॉस सोचता है कि अगर पुलिस को पता चली कि उसने होंगू का इंश्योरेंस पहले से नहीं करवाया था तो पुलिस उसे जेल में ले जा सकती है। ये समझ जाने के बाद होंगू का बॉस होंगू के वर्क शेड्यूल में ये दिखा देता है कि होंगू की उस दिन ड्यूटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गाड़ी चलाने गया था ताकि पुलिस को यही लगे कि होंगू बॉस से बिना पूछे ही गाड़ी चला रहा था और उसके साथ जो भी हुआ इसमें बॉस की कोई भी गलती नहीं थी। तो ये सब देखने के बाद वो तीनों प्रेजेंट में आते हैं और प्रेजेंट में आने के बाद जोंगकुई ओयंग काई का इन कुछ टाइम के मेमोरीज को इरेस्ट कर देता है और उसके इतने पावर को देख के शिनू फिर से उससे पूछती है तुम कौन हो। तो जोंगकुई उसे बोलता है क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं होंगू का हेल्प कर पाऊंगा। तो शिनू बोलती है हाँ, मैं तुम पर पूरा विश्वास करती हूँ। ये सुन के जोंगकुई बोलता है अगर ट्रस्ट करती हो तो मुझसे मेरे बारे में कुछ भी मत पूछो, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा मेरे बारे में नहीं बता सकता। ये बोल के जोंगकुई शिनू के सर पर अच्छे से हाथ फेरा के वहां से चला जाता है। उधर ओयंग काई को होश आ जाता है और वो जब आंखें खुलता है तब देखता है कि वो उसके गाड़ी में है और उसे पिछले दिन जोंगकुई और शिनू के पीछे होंगू के ऑफिस जाने के बाद क्या किया हुआ था इन सब के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो वो समझ नहीं पाता कि क्यों उसको कुछ भी याद नहीं है। फिर इन्हें उससे मिलके पूछती है कि कल जब वो शिनू के पीछे गया था तब क्या हुआ था। तो ओयंग काई उसे बताता है कि उसे पिछले दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सुन के इन्हें को लगता है कि ओयंग काई उससे झूठ बोल रहा है, तो इसलिए वो उसकी बातें सुन के गुस्सा हो जाती है। ये देख के ओयंग काई उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे ट्यूशन फीस को जमा किया था और तुम मुझ पे ही गुस्सा हो रही हो। ये सुन के एन ही और भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैं अभी जाके एडमिनिस्ट्रेटर से तुमने जो भी पैसे दिए थे उनको लेके आऊंगी। ये बोल के वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाती है, जहां वो देखती है कि एडमिनिस्ट्रेटर जियाची नाम की एक लड़की को बहुत कुछ सुना रहा है क्योंकि उसने ट्यूशन फीस टाइम पे जमा नहीं किया था। ये देख के एन ही एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाके जियाची को सपोर्ट करके बोलती है कि उसकी पेरेंट्स की कुछ दिनों पहले मौत हुई है, इसीलिए ही शायद उसे फीस देने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ये सुन के जियाची इन्हीं को उसके मामले में टांग अड़ाने से मना करती है। तभी वहाँ ओयंग काई आता है और इन्हीं ओयंग काई को देख के बोलती है तुम्हें तो लोगों की फीस पे करने में मजा आता है ना, तो तुम जियाची का भी स्कूल फीस पे कर दो। ये सुन के ओयंग काई एडमिनिस्ट्रेटर को बोलता है कि वही जियाची का फीस पे करेगा। उधर हम ग्रैनियों के बेकरी को देखते है जो की जोंगकुई के आने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी और जोंगकुई हैंडसम था, इसीलिए काफी लोग सिर्फ जोंगकुई को देखने के लिए ही वहाँ आ रहे थे। तो जोंगकुई बेकरी में काम करता रहता है, तभी वहाँ ओयंग काई आता है और जोंगकुई से मिलके वो भी जोंगकुई के साथ काम में हाथ बटाने लगता है और बातों ही बातों में जोंगकुई से पूछता है कि क्यों उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सुन के जोंगकुई कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ हंसता है। उधर शिनू देखती है बेकरी में सारी ही लड़कियाँ सिर्फ जोंगकुई के आसपास ही मंडरा रही है, ये देख के वो काफी जेलस हो जाती है। उधर आफू और शियाओची जोंगकुई के कहने पर होंगू के बॉस को फॉलो करने लगते हैं। तो होंगू का बॉस सारा दिन सिर्फ इधर उधर घूमता रहता है और फिर रात को गैस स्टेशन से गैसोलीन लेके उसके ऑफिस में रोते हुए छिड़कने लगता है और बोलने लगता है कि ये ऑफिस जल जाने के बाद ही मैं बच पाऊंगा। तभी वहाँ जोंगकुई आ जाता है और उसको देख के होंगू का बॉस वहाँ से भागने जाता है, लेकिन भागना तो दूर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। तभी वहाँ होंगू का भूत आता है और उसको देख के होंगू का बॉस बिल्कुल ही डर जाता है और डर के मारे नीचे बैठ जाता है। तो जोंगकुई उससे पूछने लगता है कि क्यों वो उसके ऑफिस को जलाना चाहता है। तो होंगू का बॉस बोलता है यही एक रास्ता है मेरे सारे ही काले कारनामों को छुपाने का, कैसे मैंने होंगू का इंश्योरेंस नहीं करवाया था जिसकी वजह से उसके मरने के बाद उसके बेटे को कुछ भी पैसे नहीं मिली। तो होंगू का बॉस ये सब कुछ कन्फेस करता रहता है और दूर से ओयंग काई ये कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेता है। तभी शिनू पुलिस को लेके वहाँ आती है और पुलिस बॉस को अरेस्ट कर लेते हैं और ओयंग काई
पुलिस को बॉस का कन्फेशन रिकॉर्डिंग भी दे देता है। तो पुलिस बॉस को लेके चले जाते हैं और पुलिस के जाने के बाद शिनो होंगू को बोलती है कि वो पिंक का ध्यान रखेगी और ओयांग काई भी बोलता है कि वो पिंक के पढ़ाई का सारा खर्चा उठाएगा। ये सुन के होंगू खुश हो जाता है और ओयांग काई के शोल्डर में हाथ रख के उसे थैंक यू बोलता है और एक भूत के छूने से ओयांग काई पूरा ही एक्साइटेड हो जाता है। तो आफू झोंगकुई को बोलता है कि उन लोगों को ओयांग काई की मेमोरीज इरेस करना होगा, लेकिन झोंगकुई बोलता है कि उन लोगों को ओयांग काई का मदद चाहिए पिंक के खर्चे को चलाने के लिए। तो इस बार झोंगकुई ओयांग काई का मेमोरी इरेस नहीं करता। इसके बाद होंगू झोंगकुई को बोलता है कि उसे लास्ट बार के लिए पिंक से मिलना है। तो झोंगकुई और शिनो उसे पिंक के पास ले जाते हैं, जहाँ पिंक जिद करने लगता है कि वो होंगू को कहीं भी जाने नहीं देगा। तो ये देख के वो तीनों ही पिंक को समझाते हैं कि होंगू अब मर चुका है और उसको जाना ही पड़ेगा। तो बहुत समझाने के बाद पिंक समझ जाता है और होंगू वहाँ से चला जाता है। इन्हीं को प्रोफेसर लू से उसके कमाई का पैसा मिलता है, जिससे वो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि वो जब उसके पैसों को लेकर कहीं जा रही होती है तभी उसकी माँ आके उससे जबरदस्ती करके वो पैसे लेने लगती है। तो इन्हीं उसके माँ को इस बार वो पैसे नहीं देती और रोते हुए बोलती है, ये मेरे पैसे हैं, आप क्यों मुझसे ये पैसे भी लेना चाहती हो। ये सुन के इन्हीं की माँ वहाँ से चली जाती है और ये सब कुछ जिया ची अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती है। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इन्हीं को बुली करने लगते हैं उसके माँ के पैसे को चुराने के लिए। तो ऐसी ही एक वीडियो ओयांग काई देख लेता है और ये देख के वो इन्हीं के लिए परेशान हो जाता है। तो वो इन्हीं के लिए परेशान होके उसको ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए देखता है कि इन्हीं अपना मुंह छुपा के स्कूल आ रही है। ये देख के ओयांग काई उसे रोकता है तो इन्हीं उससे दूर रहने बोलती है, लेकिन ओयांग काई उसे पैसे कमाने का एक आइडिया देता है कि वो दोनों लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमा सकते हैं। ये आइडिया सुन के पहले इन्हीं को विश्वास नहीं होता, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए वो ओयांग काई के साथ लाइव स्ट्रीम करने के लिए मान जाती है। लेकिन इस बात को ओयांग काई को शिनो से छुपाने बोलती है ताकि शिनो इन्हीं की सिचुएशन के बारे में जान के परेशान न हो जाए। रात में इन्हीं छुप छुप के घर से निकलती है और उसे छुप छुप के कहीं जाते देख शिनो झोंगकुई को लेकर उसका पीछा करती है। तो वो दोनों देखते हैं कि इन्हीं एक सुनसान से घर के बाहर जाके किसी के लिए वेट कर रही है। तभी वहाँ ओयांग काई आता है और फिर वो दोनों घर में जाते हैं। तो वो घर ओयांग काई का था और वो दोनों वहाँ उस सुनसान से घर में एक हॉरर शो जैसा करने वाले थे। तो उस घर में जाके इन्हें पहले बहुत ही डर जाती है। तो ओयांग काई उसे बताता है कि उस घर में कुछ भी नहीं है और उसने उसके फ्रेंड्स को बोल के उस घर को भूतिया घर जैसा सजाया है। ये सुन के इन्हें ठीक हो जाती है और लाइव स्ट्रीम करने लगती है और दूर से ओयांग काई ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट करता है ताकि लोगों को यही लगे कि वहाँ भूत है। और फिर वो इन्हें के लाइव स्ट्रीम में किसी और के नाम से पैसे डोनेट करता है ताकि इन्हें को ये ना पता चले कि वो उसका हेल्प कर रहा है। तो वीडियो खत्म होने के बाद इन्हें ये देख के बहुत ही खुश हो जाती है कि किसी ने उसे बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं, जो कि असल में ओयांग काई था। और इन्हीं को खुश देख के ओयांग काई भी खुश हो जाता है। तो वो दोनों बातें कर रहे थे तभी पीछे से जिया ची का भूत ओयांग काई के पीछे आती है। तभी वहाँ झोंगकुई और शिनो आ जाते हैं। तो जिया ची की आत्मा झोंगकुई को देख के वहाँ से भाग जाती है। झोंगकुई ओयांग काई को शिनो और इन्हीं को वहाँ से ले जाने बोलता है और उन लोगों के जाने के बाद वहाँ आफू आता है और झोंगकुई को बताता है कि जिया ची की मौत यहाँ नहीं हुई है और अंडरवर्ल्ड में भी जिया ची के मौत के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सुन के झोंगकुई आफू को चेंग हुआन को जिया ची के बारे में पता लगाने बोलने बोलता है। अगले दिन सुबह कॉफी शॉप में शिनो इन्हीं से पूछती है कि क्यों वो कल रात उस घर में गई थी। तभी ओयांग काई वहाँ आता है और इन्हीं के सपोर्ट में शिनो को बोलने लगता है कि इन्हीं और वो कल वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग करने गए थे। इसके बाद ओयांग काई झोंगकुई से मिलने बेकरी में जाता है, जहाँ वो झोंगकुई से भूतों के बारे में पूछने लगता है। तभी ओयांग काई का एक बॉडीगार्ड आके उसे याओ मुचिन की बर्थडे इन्विटेशन देता है। याओ मुचिन ओयांग काई की दूर की कजन थी और पढ़ाई से लेकर बाकी सभी चीजों में वो बेस्ट थी। तो याओ मुचिन की इन्विटेशन देख के ओयांग काई बाहर याओ मुचिन से मिलने जाता है और उसके साथ झोंगकुई भी वहाँ जाता है। तो याओ मुचिन को देख के झोंगकुई को लगता है कि शायद वो कोई और है और याओ मुचिन के माइंड को पढ़ के झोंगकुई ये डिस्कवर करता है
कि यामुचिन के माइंड से कुछ मेमोरीज गायब है। उधर प्रोफेसर लू को भी यामुचिन से उसकी बर्थडे पार्टी की इनविटेशन मिली थी, तो वो शिनू को उसके साथ बर्थडे पार्टी में चलने बोलता है और शिनू उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है। तो वो दोनों बर्थडे पार्टी के लिए शॉपिंग करने जाते हैं और वहाँ ओयंग काई भी इन्हीं के साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी एक साथ यामुचिन के बर्थडे पार्टी में जाने वाले थे। तो मॉल में शिनू को प्रोफेसर लू के साथ देख के ओयंग काई इन्हीं को बोलता है, शिनू को तो झोंगकुई के साथ होना चाहिए, लेकिन वो प्रोफेसर लू के साथ क्यों है? ये बोल के वो शिनू के पास जाने लगता है, लेकिन इन्हीं उसे वहाँ से ले जाती है। उधर झोंगकुई के पास चेंग हुआन आता है और झोंगकुई को शिनू के बारे में सोचते हुए देख बोलता है, लड़कियों को मीठा बहुत ही पसंद होती है, तो तुम उसके लिए मीठा बना सकते हो। ये सुन के झोंगकुई शिनू के लिए मीठा बनाने लगता है। शिनू ड्रेस खरीद लेती है और फिर प्रोफेसर लू शिनू को घर छोड़ने आते हैं। तो घर पहुंच के शिनू उसे बाय बोल के जाने लगती है, लेकिन प्रोफेसर लू उसे रोकता है और फिर उसे बोलता है, क्या तुम मुझसे डरती हो? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें सच में ही पसंद करता हूँ। ये सुन के शिनू बोलती है, मैं अपने बारे में ही कुछ भी नहीं जानती, मैं ये भी नहीं जानती कि मैं असल में कौन हूँ, पहले कहाँ रहती थी, क्या काम करती थी। तो प्रोफेसर लू बोलता है, मुझे तुम्हारे पास्ट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ याद आने का वेट करूंगा। ये बोल के वो अचानक से शिनू को हग करता है। तभी झोंगकुई खुशी खुशी शिनू के लिए केक लेके उसके घर में आता है और उन दोनों को वह हग करते हुए देखता है। और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी अच्छी वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।